मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत और हिंदू समाज द्वारा हिंदू बालक शमशान घाट पर विशेष वर्ग द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर आज कुक्षी एसडीएम विवेक कुमार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और सभी समाज के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस मुद्दे को लेकर हिंदू समाज में भारी आक्रोश नजर आया। हिंदू समाज का आरोप था कि पहले भी कई घटनाओं में विशेष वर्ग द्वारा हिंदू समाज को प्रताड़ना सहन करनी पड़ी है। दिन ब दिन हो रहे विशेष वर्ग द्वारा अत्याचारों को हिंदू समाज सहन करता आ रहा है, पर प्रशासन द्वारा किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई उन लोगों पर नहीं की जाती। इसलिए आज हिंदू समाज ने एकत्रित होकर एसडीएम साहब को पुरानी और नई घटनाओं से अवगत कराया और साथ ही साथ जल्द से जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही। शमशान घाट के मुद्दे पर एसडीएम विवेक कुमार ने आश्वासन देते हुए कल दोनों पक्षों के वरिष्ठ जनों को बुलाकर इस मुद्दे पर कार्रवाई की जाने की बात कही। बाग से संवाददाता राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट। आज ये जो बात थाने पर समस्त हिंदू समाज द्वारा जो थाने पर आकर ज्ञापन दिया गया एसडीएम के नाम हिंदू जागरण मंच के प्रधान में, इस पर आपके क्या विचार? हिंदू जागरण मंच ने 13 तारीख को रविवार को 12 से 1 बजे संपूर्ण हिंदू समाज बाग से आह्वान किया था कि जो मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं की जमीन को दबाया जा रहा है उसको लेकर थाना परिसर बाग में ज्ञापन दिया जाएगा। इस नाते से आज बहुत संख्या में हिंदू समाज एकत्रित हुआ और अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आया। आज जब हम यहाँ पर आए तो उस समय तक यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित नहीं थे। हम समझ सकते हैं कि प्रशासन का जिस प्रकार से रवैया रहा है वह असहयोगपूर्ण रहा है और इस कारण से यहाँ पर इस प्रकार का भाव भी बना है कि ये प्रशासनिक अधिकारी अगर सहयोग नहीं कर पा रहे, समस्या को नहीं सुन पा रहे तो समस्या का हल कहां से कर पाएंगे। सब प्रकार की बातचीत करने के बाद 2 घंटे बाद एसडीएम साहब आए और उन्होंने हमारी बात को सुना और इस प्रकार का आश्वासन दिया है कि जो जमीनें दबाई जा रही है कब्रिस्तान के नाम पर, कॉम्प्लेक्स के नाम पर, वो ठीक नहीं है, वो ठीक की जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। 2 दिन का समय दिया है उन्होंने। इसलिए आप सभी पत्रकार बंधु और हिंदू समाज जाति के अध्यक्ष, उन सबको आज हिंदू जागरण मंच से धन्यवाद ज्ञापित करता है। अगर आश्वासन के बाद भी अगर आपकी मांग हिंदू समाज की पूरी नहीं होती है तो आप फिर क्या करेंगे? अगर हमने जो आज मांग रखी है वो अगर पूर्ण नहीं होती है तो संपूर्ण हिंदू समाज के पास एक बार फिर से जाएंगे। जिस प्रकार की आज बात रखी है हम पुनः इस बात को लेकर जाएंगे कि साहब शासन प्रशासन में हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। आगे का जो भी हिंदू समाज यहाँ पर विचार करके अपनी बात रखने के लिए फिर से एकत्रित होगा। साहब आज ये जो हिंदू समाज आपके नाम ज्ञापन देने आया है इसमें आपने इनके क्या आश्वासन दिया? शासन प्रशासन का यही पॉइंट है कि जो भी आप लोगों ने बिंदुएं उठाए हैं उसकी हम लोग विधिवत जांच करेंगे, उसके अनुसार जो भी होगा दोनों ही पक्षों को सामने रख के इसका समाधान निकालने का कोशिश किया जाएगा और जो भी सही है वही। कितना समय दिया आपने? समय अभी इमीडिएटली तो हम लोग दोनों ही पक्षों के साथ में, मैं और एसडीओपी साहब कल दोपहर 2-3 बजे के आसपास में बैठेंगे और फिर उसके बाद में जो अपनी विधिवत एसडीएम कोर्ट में जो भी प्रक्रिया चलती है उसके तहत हम लोग की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। थैंक यू।